रहे हो भाई? लोकेशन यहाँ पे क्या ही लोकेशन है? तो गाइस सचिन अपना सेटअप में रेडी है, इन वादियों में हम लोग बैठ के गाय खा रहे हैं। वो आगे कुछ है, कुछ है, कुछ है। पहाड़ में भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। दोनों फोन देख ही रहे हैं, दोनों फोन गिर के ये डैमेज हो गया। का गया ये? खैर कुछ नहीं हुआ, बस कल क्रैक आ गया। स्क्रीन फूटा, स्क्रीन फूट गया अंदर में। नहीं स्क्रीन है। घूमने निकल जाओ और मजे करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं बगड़ू पहाड़, वो भी साइकिल में। फुल स्ट्रगल होगा और ये हमारा पहला साइकिल राइड है, तो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भी होगा। तो वहाँ जाने के बाद देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं, कैसे क्या हम लोग करते हैं, तो वो सब सारा कुछ आपको पता चलेगा। तो ये ब्लॉग में बने रहें और मिलते हैं आप सभी से कल सुबह में। गाइस अभी हम लोग हैं BS कॉलेज के पास और अब सीधे टाउन से निकल के हम ब्लॉगिंग करेंगे हम लोग। तो चलिए टाउन से निकलते हैं और मिलते हैं आप सब। जय माता दी। जय बजरंग बली। हम लोग लगभग बगड़ू पहुंच गए हैं, कुछ ही दूर है। मोबाइल में ज़्यादा दूर लग रहा है, अभी उतना दूर है नहीं। और हम लोग थक के पूरा थक गए पूरा। और यहाँ से पेसरा बगड़ू 3 किलोमीटर, पेसरा 22 किलोमीटर। तो चलिए अब सीधे आप लोग को आगे का नज़ारा दिखा। हम लोग बगड़ू पहुँच गए हैं और करीब यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर है। और इधर हमारा साइकिल बगड़ू। सो गाइस अभी हम लोग फाइनली बगड़ू में इंटर कर गए हैं और चारों तरफ जंगल आपको दिखेगा। और ये आखिरी गांव है, इसके बाद यहाँ आगे गांव नहीं है। तो आप अब मजा लो यहाँ का सीन का। हाँ बहुत सुकून लगा। हाय हाय, इतना सुकून। तो अभी हम लोग यहाँ भी थक चुके हैं और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग पैदल जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं। पूरा चढ़ा है रास्ता में पूरा। और देख सकते हैं चारों तरफ जंगल है, हम लोग के अलावा कोई नहीं है। इसी का नाम है जिंदगी। तो गाइस यहाँ से जाता बगड़ू हिल पार्क, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वे टू बगड़ू हिल। और इधर हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं हम लोग कहाँ जा रहे हैं, बस जा रहे हैं, मन किया तो जा रहे हैं। सचिन कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी, जहाँ रास्ता दिख रहा है हम लोग उधर जा रहे हैं। चलो चलो। तो गाइस सचिन अपना सेटअप में रेडी है और इससे हम लोग कब मंगाएं, क्या हुआ, ये सारा कुछ आगे बतलाएंगे। अभी बस आप इन वादियों का मजा लीजिए। डरना आता है कि आगे कुछ आगे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। हमारे साइकिल में हॉर्न भी नहीं है, इसके लिए हम लोग एक जुगाड़ लगाए लीजिए। इसलिए जब भी हॉर्न आता है अभी चार ना आया तो हम लोग बजाएंगे। हम लोग का छोटा सा जुगा आगे वाला साइड हो जाएगा। क्या सोच रहे थे? गालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। हम पे क्या ही उतराइन है, यहाँ पे उतराइन पे मजा लग रहा है। यहाँ पे टर्न ही टर्न है।
तो ये है हमारा पहला साइकिल राइड। तो चेक कर रहे हो कितना प्यारा वेदर हो रखा है, और इसके साथ सचिन ब्लॉगर। लोग यहाँ रुके थे फर्स्ट ब्रेक के लिए, और यहाँ पे देख सकते हो आप कितने लोग खा पी के यहाँ पे कूड़ा कचड़ा करके चले गए। जो आ रहा हूँ हम लोगों को देख रहा है कि इन लोग का कर गा रहा है, क्या कर रहे हैं। हम लोग हैं पागल जो यहाँ बैठ के ब्लॉग बना रहे हैं। इन वादियों में हम लोग बैठ के गाजर खा रहे हैं। तो अब मिलते हैं गाजर खा के गाइस। हम लोग इधर पहाड़ का ऊपर चढ़ेंगे, रोड में नहीं ऊपर, उसके बाद कुछ आगे भी जाएंगे। तो गाइस अभी सचिन इधर बैठ के साइकिल देख रहा है, और हम लोग जा रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अभी ऊपर, सचिन थोड़ा देर रेस्ट करेगा, हम लोग आते चले घूम के। इधर आ रहा है कार, पहाड़ के ऊपर जाने में तो डर लग रहा है गाइस, लेकिन आप सब लोगों के लिए ये भी करना पड़ रहा है, पूरा सुनसान है, डर तो लग रहा है, जाएं या फिर नहीं जाएं। चलो जो होगा देखा जाएगा। एक्चुअली मैं इससे पहले भी एक बार आ चुका हूँ यहाँ, इसी के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला बात नहीं है। और ऐसे जगह पे सांप वगैरह का बहुत ज़्यादा डर रहता है। पूरा घना जंगल है गाइस, सही से यहाँ सूरज का रोशनी भी नहीं आ पा रहा है। और अगर आप इस तरह से पहाड़ पे चढ़ते हो ना, तो बहुत ही थकावट महसूस होती है। और यहाँ पे मेरे से पहले कोई आया है, सब आते जाते रहता होगा। रास्ता तो यहाँ पे से दिख नहीं रहा आगे का, तो आगे मुर्गी था गाइस, मुर्गी या कुछ है। तो आगे हम लोग नहीं जाएंगे, सांप वगैरह हो सकता है, शांति से लौट जाते हैं। ज़्यादा अकेले ज़्यादा आगे जाने से ना बात अच्छा नहीं है, इसी के लिए हम लोग लौट रहे हैं। लौट जाने से ही अच्छा है, रास्ता बहुत गंदा है, कभी भी गिर सकते हैं। मैं ऊपर से ये वाला चप्पल पहन के आया, जूता पहन के आना था, गलती हो गया। गाइस अभी थोड़ा सा और आगे जाके देखते हैं कि क्या हो, मतलब साइकिल रोड में आगे, इधर पहाड़ में चढ़ना नहीं, बहुत ज़्यादा इधर गंदा रास्ता है। और यहाँ पे गाड़ी पार होते हुए, तो अब चलते हैं। फोन आ रहा है लग रहा है। हेलो, हाँ पहाड़ में पिछला मोबाइल, हाँ पिसल गए मोबाइल, कहाँ गया मोबाइल गया। खराब गया था, इसको बनवाए थे, फूट गया, और जिससे मैं ब्लॉग बना रहा था वो भी गिर गया वहाँ पे, क्रैक आ गया। ये खैर कुछ नहीं हुआ, बस कल क्रैक आ गया, स्क्रीन फूटा, स्क्रीन फूट गया अंदर में, नहीं स्क्रीन है, स्क्रीन फूट गया ना। गया यहाँ पे भारी नुकसान होते हुए, 8-10 हज़ार का मोबाइल गया, इसको फिर बनवाना पड़ेगा। फ्री में बना था गाइस, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं, बनवाए थे फ्री में बना था ये, लेकिन मेरा मेन मोबाइल फूट गया, अच्छा नहीं लग रहा, बहुत दुख की बात है। पहला साइकिल राइड पे आए और नुकसान हो गया हम लोग का, घर वाला भी डांटेगा, बहुत खराब करते रहे। हाँ भाई आगे स्वाद। अभी हम लोग का दोनों मोबाइल टूट चुका है, तो ये मोबाइल टूटने का हमको बिल्कुल भी दुख नहीं है, क्योंकि फ्री में बना था, फिर से फ्री में बनवा लेंगे अब। तो अभी निकलते कुछ थोड़ा और आगे,
तो हाँ, अब बात करते हैं हम साइकिल ब्लॉग के, साइकिल राइड के लिए वो मंगाए थे उसे, जो भी बोलते हैं नाम पता नहीं है, तो उसे मंगाए इसलिए थे, करीब हम लोग एक साल पहले ही मंगा लिए थे कि अब साइकिल राइड करेंगे, ब्लॉग बनाएंगे, लेकिन कभी वैसा मौका ही नहीं मिला और हम लोग नहीं बना सके। मौका नहीं मिला इसका मतलब समझ रहे हो, मौका मिलता नहीं है, मौका निकालना पड़ता है, खोजना पड़ता है और इस तरह से घूमने निकलना पड़ता है। घूमने निकल जाओ और मजे करो। अभी यहाँ हम लोग चिल्लाएंगे ना तो कोई नहीं सुनेगा। चेक कर रहे हो भाई लोकेशन, यहाँ पे क्या ही लोकेशन है। यहाँ पे क्या ही ट्रेन नहीं है ऐसा आ रहा। तो उधर तो अब नहीं जाएंगे गाइस, कहे उधर अभी उत्तरायण है तो आने से चढ़ाना पड़ेगा, ज़्यादा आगे जाना नहीं है। आओ यहीं पे, आ बरसात में यहाँ पे पूरा वाटरफॉल का मजा लेने का मजा ही कुछ है। गाइस यार हमारा ब्लॉग यहीं पे होता है खत्म, और मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम। और ब्लॉग में जरूर बताएं कि मजा आया कि नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगला ब्लॉग में।